लेट्स बच्चों स्टडी वीडियो के बच्चों क्वेश्चन 11 टिल ना 2.2 का बच्चों ओके स्टडी वीडियो बच्चों अप टू क्वेश्चन नंबर 11 राइट बच्चों लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 इज आल्सो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों 2.2 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन इज आल्सो सिमिलर टू 11 बड़े बच्चों हमारा संस्कार क्लास है तो सिमिलर नहीं देगा बाकी दुनिया के बच्चे अगर मैंने 11th किया तो 12th बच्चे करेंगे यहाँ तो लोग हम लोग जो 11th किए वो नहीं कर रहे लोग तो 12th क्या करेंगे ओके ना चल व्हाट इज गिवन फाइंड द मैट्रिक्स ए एंड बी इफ 2a माइनस बी इज इक्वल टू गिवन 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 एंड 1 व्हाट इज ऑर्डर बच्चों 2 ऑर्डर एंड 3 कॉलम तो 2 इंटू 3 ए माइनस टू बी 3 ऑर्डर है और 2 कॉलम है सॉरी 2 ऑर्डर रो है बच्चों 3 कॉलम है तो अगेन 2 इंटू 3 ऐड और लेस करने के लिए बच्चों ऑर्डर रिमेन सेम होना चाहिए तो ऑर्डर सेम होना चाहिए बच्चों तो ऑर्डर सेम है ओके बच्चों हाउ टू सॉल्व दैट 2a माइनस बी इज इक्वल टू वी गॉट 6 माइनस 6 देन 0 माइनस 4 2 एंड देन 1 बच्चों ओके बच्चों दिस इज इक्वेशन नंबर 1 पुट दैट इक्वेशन नंबर 1 बच्चों एंड द सेकेंड वन ए माइनस टू बी इज इक्वल टू वी गॉट 3 2 8 माइनस 2 1 माइनस 7 दैट इक्वेशन नंबर 2 बच्चों फर्स्ट पुट दैट 1 एंड 2 बच्चों राइट बच्चों व्हाट वी विल डू बच्चों देखो जो अगर यहाँ पे मैं 2 का मल्टीप्लाई करता तो 2a 2a हो जाए सेम बच्चों फिर कैंसिल हो जाएगा वो ओके तो वी गेट बी का आंसर बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 का करता बच्चों तो 2b कैंसिल बच्चों वी गेट a का वैल्यू बच्चों अल्टीमेटली वी नीड a एंड b ओके इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज गेट फर्स्ट a देन b यू कैन डू आइदर a और b चलो बच्चों सो मल्टीप्लाई by 2 in equation 1 में मैं क्या करता बच्चों 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा बच्चों 2b हो जाएगा 2b 2b विथ कैंसर बच्चों ओके बच्चों तो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1 बच्चों ठीक बच्चों 2 इंटू 2 तो 2 टू जा 4a बच्चों 2 इंटू b 2b बच्चों एंड बच्चों तो 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई करना बच्चों ईच एंड एवरी एलिमेंट्स में बच्चों 2 6 जा 12 2 0 0 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2 राइट बच्चों वी आर मल्टीप्लाई इन ईच एंड एवरी टर्म्स दैट इज नंबर 3 बच्चों ओके बराबर बच्चों तो 4a माइनस 2b हो गया बच्चों देखो 2b सेम है ना बच्चों जस्ट कैरी आउट 1 माइनस 2b बच्चों 3 माइनस 2 2 1 8 माइनस 7 इज इट बच्चों राइट है चलो सर मारा बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ आई मल्टीप्लाई बाय द 2 इन द इक्वेशन 1 यू कैन मल्टीप्लाई 2 बाय इन इक्वेशन नंबर 2 पहले ओके बच्चों चलो अब बच्चों 2b सेम हो गया बच्चों बट साइन सेम है बच्चों हाँ साइन सेम है पहले द साइन सेम रहेगा तो क्या करेंगे बच्चों उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे स्कूल लेवल पढ़े बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाँ बस तो साइन सेम है बच्चों तो सब्ट्रैक्ट करना है तो बाय सब्ट्रैक्टिंग बच्चों ओके लेट टेक दैट तो क्या आएगा बच्चों व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दैट प्लस बिकम माइनस दैट माइनस बिकम प्लस एंड दैट द माइनस विल बी बच्चों प्लस था बच्चों माइनस हो गया माइनस था बच्चों प्लस हो गया और इसको बच्चों हमने माइनस कर दिया ठीक है बच्चों माइनस टू बी प्लस टू बी कैंसिल हो गया बच्चों दिस माइनस टू बी बच्चों और ए प्लस टू बी हो गया बच्चा कैंसिल 4a माइनस a बच्चों 4a माइनस a 3a और इसको भी क्या करना है बच्चों लेस करना है ओके ना अब लेस करना बच्चों क्या मैं बोलूँ 12 माइनस 3 माइनस है बच्चों तो 12 माइनस 3 9
माइनस टू ऐसा माइनस एट और ये क्या आएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस टू आएगा माइनस एट प्लस टू माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व माइनस टू बच्चों ये माइनस ट्वेल्व माइनस टू माइनस फोर्टीन फोर माइनस वन थ्री जीरो माइनस एट टू माइनस माइनस बच्चों प्लस तो टू एंड सेवन नाइन ओके बच्चों अभी देखो बच्चों मेजॉरिटी नंबर जो है बच्चों थ्री से देखो थ्री मल्टीप्लाई डिवाइड होगा ना बच्चों ओके तो डिवाइड होगा तो थ्री से हम डिवाइड कर सकते हैं बच्चों आप इधर भी ला सकते हैं पहले तो ए इक्वल टू वन अपॉन थ्री ए इक्वल टू वन अपॉन थ्री नाइन माइनस सिक्स माइनस फोर्टीन थ्री माइनस एट नाइन बच्चों यू कैन कीप एज बच्चों आप यहाँ पे भी रख सकते हो बट मैं आपको एडवाइस दूंगा बच्चों अगर ज़्यादातर नंबर बच्चों डिविजिबल है थ्री का तो डिवाइड करने हैं बच्चों अब देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एलिमेंट है ना बच्चों आउट ऑफ सिक्स एलिमेंट बच्चों फोर एलिमेंट थ्री से डिवाइड होएगा तो वेन द मेजॉरिटी ऑफ नंबर इज डिविजिबल बच्चों तो यू कैन डिवाइड बच्चों तो थ्री से डिवाइड कर दो बच्चों देयरफॉर ए का आंसर क्या आएगा बच्चों थ्री थ्री जा नाइन बच्चों थ्री टू जा सिक्स इसमें नहीं डिवाइड होगा तो माइनस फोर्टीन अपॉन थ्री थ्री वन जा थ्री इसमें डिवाइड नहीं होगा थ्री थ्री जा बस ए बच्चों ए का आंसर है दिस इज आंसर ऑफ ए बच्चों क्या किया बच्चों पहले हम लोगों ने इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू बच्चों इन इक्वेशन वन वी मल्टीप्लाई बाय टू बच्चों तो टू टू जा फोर ए टू इंटू बी टू बी और फिर टू का बच्चों हम लोगों ने ईच एवरी नंबर में मल्टीप्लाई किया अंदर इन साइड इक्वेशन नंबर सॉरी इक्वेशन नंबर टू था ना बच्चों इक्वेशन टू को कैरी आउट कर लिया बच्चों एंड देन सब्ट्रैक्ट फोर ए माइनस वन ए थ्री ए माइनस प्लस गेट कैंसल इसके हर एक एलिमेंट में से लेस करना था बच्चों ओके बाद में देखा बच्चों थ्री मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो गया इनसाइड द मेजॉरिटी ऑफ आइटम इज डिविजिबल बाय थ्री ना बच्चों ज़्यादातर आइटम तीन से डिवाइड होंगे ना बच्चों इसे डिवाइड करने का इफ़ वन ऑफ टू आइटम डिविजिबल बच्चों तो इग्नोर बट मेजॉरिटी आइटम इज डिविजिबल बच्चों तो यू हैव टू डिवाइड बच्चों ओके बच्चों ये आगे बच्चों ए का आंसर है अभी क्या चाहिए बच्चों बी का आंसर इस टाइप के सम में बच्चों कभी सब्स्टिट्यूट करने का सोचना भी मत ओके बच्चों अभी आंसर अगर हम लोग बोलेंगे जैसे अब स्कूल लेवल पे बच्चों एक्स का आंसर आता था एक्स का आंसर पुट इनटू द नंबर इक्वेशन नंबर वन और टू यू गेट द वाई का आंसर बच्चों ऐसा अगर बच्चों मैट्रिक्स में हम लोग करने लगेंगे ना तो दो घंटे में ना यही सवाल कर पाएंगे हम लोग कभी भी बच्चों मैट्रिक्स को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने के बारे में मत सोचना बच्चों क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होगा और 90% चांस है रॉन्ग ही होएगा बच्चों माइनस प्लस में इससे सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या बच्चों मल्टीप्लाई बाय टू इक्वेशन वन में किया ना बच्चों अभी क्या करो मल्टीप्लाई बाय टू इन द इक्वेशन नंबर टू कर दो सो नाउ मल्टीप्लाई बाय टू इन इक्वेशन नंबर टू बच्चों बच्चों पहले वन में मल्टीप्लाई किया था अभी टू में करो टू इंटू ए टू ए टू टू जा फोर बी ठीक बच्चों टू इंटू ए टू ए टू टू जा फोर बी टू थ्री जा सिक्स टू टू जा फोर माइनस फोर टू टू जा फोर टू वन जा टू सिक्सटीन माइनस फोर्टीन राइट बच्चों टू का मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने ठीक ना बच्चों सो वी मल्टीप्लाई बाय द टू राइट बच्चों अब देखो टू ए बच्चों इधर देखो टू ए ना फर्स्ट वाले में उसको कंटिन्यू कर दैट इज इक्वेशन नंबर फोर बच्चों सो टू ए माइनस बी इज इक्वल टू सिक्स माइनस फोर माइनस सिक्स टू जीरो वन बराबर बच्चों अब बच्चों टू ए टू ए देखो सेम आ गया ये क्या बच्चों प्लस में ये भी क्या बच्चों प्लस में ना बच्चों तो क्या करो बच्चों बाय सब्ट्रैक्टिंग
दैट प्लस बिकम माइनस बच्चों, दैट माइनस बिकम प्लस, और फिर इसको माइनस करेंगे बच्चों, प्लस बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस बच्चों, और फिर माइनस करना था बच्चों, 2a माइनस 2a बच्चों गेट कैंसल, माइनस 4b और ये प्लस b हो गया बच्चों, माइनस 4b प्लस b बच्चों, माइनस 4b प्लस b बच्चों, यहाँ पे नंबर नहीं तो बने बच्चों, तो माइनस 4 प्लस 1 कितना आया बच्चों, दैट इज 3 आएगा ना, माइनस 3, माइनस 3b बच्चों, इसको सब्ट्रैक्ट करो बच्चों, 6 माइनस 6 बच्चों, 6 और ये माइनस आए ना बच्चों, तो 6 माइनस 6 करें तो 0, माइनस 4 और ये माइनस माइनस क्या आएगा बच्चों, प्लस 4, तो माइनस 4 प्लस 4 0 आएगा बच्चों, ऐसे लॉजिक से बच्चों दोनों नंबर सेम है ना बच्चों, तो लेस करें तो 0 आएगा ना बच्चों, 6 माइनस 6 दैट इज 0, माइनस 4 देन माइनस है और ये माइनस 4 है, माइनस माइनस बच्चों प्लस 4 तो दैट इज 0 आ जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 6 10, 2 माइनस 2 0, 16 अपॉन माइनस 0 16, माइनस 14 और माइनस 1 माइनस 15, राइट बच्चों, ये आ गया, माइनस 3 का डिवाइड कर दो बच्चों, तो b इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 3 बच्चों, हाँ 0 0 10 0 16 माइनस 15, डिवाइड करोगे इसे छोड़ दो बच्चों, छोड़ दो सर, ये 3 0 बच्चों, तो 0 में डिवाइड कर दो 0 हो जाएगा बच्चों, और फिर 15 भी डिवाइड हो रहा है बच्चों, ओके आई विल मल्टीप्लाई डिवाइड बच्चों, सो b इक्वल टू 0 में डिवाइड कर दो 0 आएगा बच्चों, ये भी 0 होएगा, 10 अपॉन माइनस 3 बच्चों, 10 अपॉन माइनस 3 दैट इज बच्चों माइनस 10 अपॉन 3 ना, 10 अपॉन माइनस 3 दैट इज माइनस 10 अपॉन 3 दैट इज 0, 16 माइनस 16 अपॉन 3 ये बच्चों माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया बच्चों, 15 अपॉन 3 5, ये था बच्चों आपका बी का आंसर बता ये बच्चों, तो हाउ टू डू बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक जस्ट लाइक बच्चों कल का सम के ना वैसे था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 इज सिमिलर टू दैट, ओके तो क्या करो बच्चों इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करके इक्वल करो, कैंसिल द बी गेट द वैल्यू ऑफ ए, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करके ए को इक्वल करो बच्चों, सब्ट्रैक्ट करो गेट द वैल्यू ऑफ बी बच्चों, नंबर को इनसाइड डिवाइड करना नहीं करना बच्चों, ऐसे आपके आंसर में बच्चों जो बुक का आंसर उसमें सब में डिवाइड किया बच्चों, पर मैं आपको कॉमनली बोला बच्चों मेजॉरिटी अगर आइटम बच्चों अगर उसका 3 से डिविजिबल है बच्चों तो डिवाइड करने का, मेजॉरिटी आइटम डिविजिबल नहीं है बच्चों तो नो नीड टू डू, फिर उसको कीप आउटसाइड जैसा एज इट इज़, ओके बच्चों, क्वेश्चन 13 बच्चों, फाइंड x एंड y वेयर द 2x प्लस y एंड देन 3 बच्चों माइनस 1 4y 1 4 दैट गिवन प्लस दैट बच्चों ठीक है वेरी इजी बच्चों, तो मैट्रिक्स को ऐड करना बच्चों, ऑर्डर क्या बच्चों 2 रो एंड 3 कॉलम, हियर 2 रो एंड 3 कॉलम बच्चों, इन द ऑर्डर सेम बच्चों वी कैन इजीली ऐड, चलो Let I will do that. Order same hai na bachcho. So we can add or less bachcho, okay? 2x plus y. I can to plus karna na. Kya aayega bachcho? 2x plus y plus 1 minus with it minus 1 na. 3 plus 3 bachcho 6. Minus 1
प्लस सिक्स बच्चो माइनस वन प्लस सिक्स बच्चो फाइव राइट बच्चो फोर वाई प्लस जीरो फोर वाई राइट बच्चो वन प्लस फोर फाइव फोर प्लस थ्री सेवन बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ सो रिस्पेक्टिव एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं बच्चों इक्वल टू थ्री फाइव फाइव सिक्स एटीन सेवन अब दोनों मैट्रिक्स बच्चों इक्वल है तो करिस्पॉन्डिंग नंबर को कंपेयर करो बच्चों देखो जो ये नंबर कंपेयर कर सकते हम लोग देयरफॉर टू एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू थ्री बच्चों 2x plus y minus 1 equal to क्या होगा 3 बच्चों तो क्या होगा बच्चों 2x plus y equal to 3 और ये plus minus 1 तो plus है बच्चों 2x plus y equal to क्या होगा बच्चों 4 बड़ा बच्चों this equation number 1 okay so 2x plus y minus 1 is equal to 3 दोनों का ऑर्डर सेम है बच्चों दोनों का ऑर्डर सेम है मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग नंबर फिर वो फाइव फाइव इक्वल सेवन इक्वल सिक्स इक्वल देन ऑब्वियसली दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल है बच्चों तो सेम रहेगा अब क्या करो बच्चों फोर वाई इक्वल टू एटीन बच्चों फोर वाई इक्वल टू एटीन फोर वाई इक्वल टू एटीन सो वाई इक्वल टू बच्चों एटीन अपॉन फोर एटीन अपन फोर टू टू या फोर टू नाइन बाय तो वाई इक्वल टू नाइन बाय टू आ गए ना बच्चों एंड बच्चों दैट वाई इक्वल टू पुट दैट इन द वन सो वाई इक्वल टू नाइन बाय टू पुट इन इक्वेशन वन सर आपने बोला था मैट्रिक्स में नहीं रखना मैंने मैट्रिक्स में नहीं रखने नहीं बोला था मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट नहीं करने बोला था I said there is earlier question, don't substitute the matrix. But in matrix chapter में इस तरह का equation आया तो we can put. तो y का value put करो बच्चों तो फिर 2x plus y. Y क्या बच्चों? 9 by 2. Equal to बच्चों 4 ना बच्चों? 2x plus y. Y means बच्चों 9 by 2. ना बच्चों? 2x equal to बच्चों क्या कर सकते थे टू मल्टीप्लाई ना सॉरी टू डिवाइड है बच्चों इसको कैंसिल करेंगे यू कैन मल्टीप्लाई बाय सो मल्टीप्लाई बाय टू बोथ साइड टू टू जा फोर एक्स बच्चों टू टू जा फोर एक्स नाइन बाय टू इंटू टू फोर टू जा एट टू टू जा फोर एक्स फोर टू जो एट बच्चों और यहाँ पर मल्टीप्लाई की बच्चों से टू टू कैंसिल हो गया फोर एक्स इक्वल टू एट प्लस नाइन टू जब आंसर गया बच्चों नाइन फोर एक्स इक्वल टू माइनस वन एक्स इक्वल टू बच्चों माइनस वन अपॉन फोर ये आंसर बच्चों तो पहले क्या करो दोनों को ऐड करो बच्चों तो इस पर टेलीमेंट आज यू कैन कंपेयर बच्चों तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से कंपेयर किया बच्चों ये क्या था बच्चों सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम तो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से कंपेयर किया बच्चों रिस्पेक्टिव एलिमेंट को कंपेयर करना बच्चों ये सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम आ रहा है सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से कंपेयर करना फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम तो उसको मैं फर्स्ट हूँ सर बाकी को क्यों नहीं कंपेयर किया बाकी कंपेयर क्या करो बच्चों देखो सेम ही ना फाइव फाइव सिक्स सेवन तो ये दोनों को ही कंपेयर करके एक्स्ट्रा का आंसर चाहिए बच्चों तो एक इक्वेशन आ गया फोर वाई इक्वल टू एटीन था बच्चों तो वाई का आंसर फाइंड करो एंड देन वाई का आंसर सब्स्टिट्यूट इन द वन बच्चों तो ये गिव द आंसर एक्स ठीक है बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 था बच्चों राइट बच्चों चलो बच्चों
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 बच्चों, व्हाट इज गिवन बच्चों इन द क्वेश्चन नंबर 14, 2a plus b, c plus 2d, then 3a minus b बच्चों और 2c minus d बच्चों is equal to the given 2, 4 and 3 minus 1 बच्चों. Find a, b, c, d. It's very simple बच्चों. देखो बच्चों इसका order क्या है, 2 row and 2 column बच्चों. इसका भी order क्या बच्चों, 2 row and 2 column. When the order same बच्चों और equal है, okay बच्चों, तो क्या आएगा बच्चों, respect to elements क्या रहेंगे बच्चों, same. तो we can compare बच्चों. तो देखो बच्चों first row का first column, ए बी है ना बच्चों, देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बच्चों, इधर भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो 2a प्लस बी बच्चों इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 2. ओके बच्चों, अब देखो ए बी है तो पहले ए बी क्या कर लेते हैं बच्चों हम लोग, 3a माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 3a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 3 बच्चों, नंबर 2. बस अब दोनों को सॉल्व कर लो बच्चों, पहले रो का पहला कॉलम था बच्चों, तो इधर भी पहले रो का पहला रो कॉलम से कम किया, पहले ए बी कर लेता बच्चों, बाद में सी डी करेंगे हम लोग. 2a माइनस 3a माइनस बी बच्चों क्या बच्चे, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम है, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से. ओके अब देखो प्लस बी माइनस बी बच्चों क्या करो बच्चों, बाय एडिंग, ऐड बच्चों बाय एडिंग 5a, राइट, दिस इज कैंसल बच्चों, 5 ना बच्चों, फिर क्या बच्चों, 2 माइनस 3 है बच्चों, 2 माइनस 3 तो क्या आएगा बच्चों, माइनस 1, तो इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5, ए इक्वल टू माइनस 5, 1 अपॉन 5 बच्चों. ठीक है बच्चों, शुड आई गो बच्चों, चल देन क्या करेंगे बच्चों, ए इक्वल टू माइनस 1 बाय 5 पुट इन 1 बच्चों, पुट दैट 2 into a minus 1 by 5 बच्चों plus b equal to 2 ना बच्चों, तो क्या आएगा बच्चों, minus 2 upon 5 plus b equal to 2. ओके बच्चों, तो b equal to क्या आएगा बच्चों, minus था उस साइड गया तो plus होएगा बच्चों, 2 plus 2 by 5 बच्चों, है minus 2 by 5 बच्चों उस साइड गया तो plus हो गया बच्चों, तो क्या करें बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 टू जा 10, 2 वन जा 2 अपॉन बच्चों 5, तो b इक्वल टू बच्चों 12 अपॉन 5 बच्चों. तो बच्चों आई थिंक बच्चों लग रहा कुछ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या, मैं तो क्वेश्चन को चेक कर लेता बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन कुछ मिस्टेक्स है इसके अंदर, जस्ट कंफर्म बच्चों, ऐसे था बच्चों उसमें कुछ करेक्शन था बच्चों, सॉरी भाई मिस्टेक हो गया बच्चों, करेक्शन मतलब बच्चों आई गट रॉन्ग बच्चों. ओके यहाँ क्या रॉन्ग था बच्चों, देखो ये वाला पॉइंट बच्चों, ए 3 था बच्चों तो मैंने माइनस 3 ले लिया था, दैट इज रॉन्ग बच्चों. ओके और प्लस 3 था बच्चों, आई एम रियली सॉरी, तो 2a प्लस बी बच्चों 2 था और ए क्या बच्चों प्लस 3 है. ठीक है बच्चों, सो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चों, अरे सॉरी, सो 5 इक्वल टू बच्चों 5 आएगा, सो ए इक्वल टू बच्चों 5 अपॉन 5, ए इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 1, राइट बच्चों, ए इक्वल टू 1 आ गया बच्चों. ठीक है बच्चों, ए इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 1 बच्चों, तो 2 इंटू ए क्या आया बच्चों 1 प्लस बी इक्वल टू 2 बच्चों, 2 वन जा 2 जट 2 को उस साइड लेके बच्चों माइनस 2, तो बी इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 0, राइट बच्चों, ये आंसर आ गया बच्चों ए और बी का आया. सिमिलरली वी विल डू बच्चों सी प्लस 2d, सी प्लस 2d बच्चों इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 4, राइट बच्चों, नंबर 3, 2c माइनस डी बच्चों इक्वल टू माइनस 1 बच्चों, नंबर 4 बच्चों, सी प्लस 2d इक्वल टू 4 है बच्चों और 2c माइनस डी इक्वल टू बच्चों माइनस 1. अभी क्या करेंगे बच्चों, ये तो एक जीता बच्चों डायरेक्ट हो गया,
बट इजी नहीं बच्चों, तो क्या करूँ भाई, आइदर टू का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, सो मल्टीप्लाई बाय टू इन इक्वेशन फोर बच्चों, फोर में मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो टू टू जा फोर सी, टू डी बच्चों, टू वन जा टू, राइट बच्चों, टू डी आ गया बच्चों, टू डी देखो ऊपर है बच्चों, सी प्लस टू डी, अभी सब टेंथ का बच्चों, मैं था फास्ट कर रहा हूँ सब, सो एडिंग तो फाइव सी बच्चों, फाइव सी गेट कैंसल, ये कितना आएगा बच्चों, माइनस टू प्लस फोर टू, तो सी इक्वल टू बच्चों टू अपॉन फाइव, राइट बच्चों, टू अपॉन फाइव आएगा, क्या बच्चों, नाउ पुट सी इक्वल टू टू बाई फाइव इन इक्वेशन वन बच्चों, इक्वेशन फोर में, थर्ड में रख सकते हो बच्चों, थर्ड में रख दो, तो c के जब क्या लिखो बच्चों, टू बाई फाइव प्लस टू डी इक्वल टू फोर बच्चों, क्या बच्चों, फाइव डिवाइड है बच्चों, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई फाइव बच्चों, मल्टीप्लाई बाई फाइव, ओके बच्चों, तो टू अपॉन फाइव इंटू फाइव प्लस टू डी इंटू फाइव इक्वल टू फोर इंटू फाइव बच्चों, ईच एंड एवरी टर्म में क्या क्या बच्चों, मैंने फाइव का मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइव कैंसिल हो गया बच्चों, फाइव टू जा टेन डी बच्चों, ये कितना है बच्चों, ट्वेंटी प्लस टू को उस टाइम लिखा बच्चों माइनस टू, टेन डी इक्वल टू बच्चों एटीन, सो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, एटीन अपॉन टेन, टू नाइन जा एटीन, टू फाइव जा टेन बच्चों, नाइन अपॉन फाइव बच्चों, देयरफॉर बच्चों ए इक्वल टू कितना था वन, बी इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू टू बाई फाइव बच्चों, एंड डी इक्वल टू बच्चों नाइन बाई फाइव बच्चों, तो बच्चों ये था आपका आंसर बच्चों, तो कंपेरेटिवली इजी था बच्चों, और ये टेंथ का सब करिए बच्चों, ठीक है बच्चों, इतना आप लोग प्रैक्टिस करोगे बच्चों, ठीक है।